नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने अनुलेखन क्रिया की बात कर ली थी। अनुलेखन क्रिया का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का निर्माण। तो आज अपन बात करेंगे आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि किस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो आज का टॉपिक होगा अपना प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस को स्पष्ट करने के लिए फ्रांसिस क्रिक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के फ्रांसिस क्रिक वैज्ञानिक ने केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा सिद्धांत को प्रस्तुत किया और इनके अनुसार प्रोटीन संश्लेषण को दो चरणों में बांटा गया है। तो देखेंगे अपन प्रोटीन संश्लेषण के दो चरण कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो चरण होगा वो होगा अनुलेखन, दूसरा चरण होगा अनुवादकरण या स्थानांतरण। तो फर्स्ट चरण की बात करेंगे अपन अनुलेखन की। अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन और आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादकरण या स्थानांतरण कहलाता है। तो बात करेंगे अपन सबसे पहले प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में अनुलेखन की, कि किस प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन होगा और किस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया संपन्न होगी। तो अनुलेखन के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। तो देखते हैं अपन अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ये जो प्रोटीन संश्लेषण का इसे प्रथम चरण मानते हैं, क्योंकि प्रथम चरण तो अनुलेखन होगा, द्वितीय चरण अनुवादकरण होता है। इस चरण में डीएनए से किसका निर्माण होगा, एमआरएनए का निर्माण होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया अत्यंत सरल होगी। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी उनमें अनुलेखन जो होगा वह अत्यंत सरल प्रकार का होगा। क्योंकि क्यों होगा, उसका रीजन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी विशेष संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य व केंद्रक में कोई अलगाव या अंतर नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी उनमें केंद्रक नहीं होता। वो केंद्रक यानी जो डीएनए के जो लूप होंगे वो उसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, इसलिए यानी उसके अंदर प्रेजेंट जो कोशिका द्रव्य होगा उसी में डीएनए बिखरा हुआ होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होगा और कोशिका द्रव्य होगा, तो दोनों में अंतर होता है, जबकि यहाँ पर कोई अंतर नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए से आरएनए का निर्माण केंद्रक में होगा और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कोई अवरोध नहीं होता। उसमें डायरेक्ट कोशिका द्रव्य में ही आरएनए का निर्माण होगा और वहीं पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन क्रिया को तीन चरणों में बांटा गया है। तो देखेंगे अपन फर्स्ट चरण अनुलेखन क्रिया का प्रारंभ या प्रारंभन। यह अनुलेखन क्रिया का प्रथम चरण होता है। तो प्रथम चरण होगा अनुलेखन क्रिया का, यानी कि प्रारंभन होगा, दीर्घीकरण होगा और समापन होगा। इस प्रकार तीन चरणों में अनुलेखन की क्रिया संपन्न होगी। तो स्पष्ट देंगे अपन अनुलेखन का प्रारंभन। तो इस चरण में डीएनए की इकाई यानी कि जो अनुलेखन क्रिया में जो डीएनए की इकाई भाग लेगी
उसे कहते अपन सिस्ट्रोन, यानी कि सिस्ट्रोन इकाई पर ही डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। सिस्ट्रोन के टेम्पलेट रज्जू पर उन्नायक भाग में पाए जाने वाला सिग्मा कारक, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो क्लास के अंदर कि जो सिग्मा कारक होता है, ये सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ता है और इसे अनुलेखन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें टाटा बॉक्स के अनुक्रम की विशेष भूमिका होती है। इसके पश्चात आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पूरकता के सिद्धांत की पालना करता हुआ न्यूक्लियोटाइडों को एक निश्चित क्रम में जोड़ेगा। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या 25 प्रति सेकंड के हिसाब से जुड़ते हैं, लेकिन जब 10 न्यूक्लियोटाइड, कितने 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज से जो सिग्मा कारक होगा ये हट जाता है। इस क्रिया पॉली न्यूक्लियोटाइड दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो इस क्रिया में जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वह दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेंगे और ये बहुलकन के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण भी करते हैं, क्योंकि इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ऊर्जा इनको लगातार मिलेगी क्योंकि ये दो फॉस्फेट अणु इस बहुलकन क्रिया में अपनी ऊर्जा देते रहते हैं। सेकंड जो पार्ट होगा अनुलेखन क्रिया का दीर्घीकरण, अनुलेखन क्रिया का दीर्घीकरण, यह अनुलेखन क्रिया का द्वितीय चरण है। इस चरण में 25 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकंड से निरंतर जुड़ते हैं। 25 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकंड से जुड़ते हैं या बहुलकन करते हैं और इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की विशेष भूमिका होती है। इस चरण में एमआरएनए की लंबाई बढ़ती है, नाम ही है इसका दीर्घीकरण। तो इस चरण में क्या होगा, एमआरएनए की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला जो चरण होगा वह होगा अनुलेखन क्रिया का समापन। फर्स्ट होता है प्रारंभन, दूसरा दीर्घीकरण और तीसरा समापन। तो यह तृतीय चरण होगा अनुलेखन क्रिया का। इस चरण में आरएनए पॉलीमरेज से जो कारक आकर जुड़ता है जिसे अनुलेखन क्रिया समाप्त हो जाती है और एमआरएनए पृथक हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए अपन इस डायग्राम के माध्यम से, तो अनुलेखन क्रिया का प्रारंभन, तो इस डीएनए में एक रज्जु 3 डेज से 5 डेज होगा और एक होगा 5 डेज से 3 डेज, और बनने वाला हमेशा जो रज्जु होगा वो 5 डेज से 3 डेज बनता है। तो बनने वाला जो एमआरएनए होगा वो भी 5 डेज से 3 डेज होगा। तो इसमें जो 3 डेज से 5 डेज होगा वह टेम्पलेट रज्जु होगा। टेम्पलेट रज्जु इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसी रज्जु के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। जो 5 डेज से 3 डेज होगा वह कूटलेखन रज्जु होता है। अब इस क्रिया में, अनुलेखन की क्रिया में, जो अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट होगी वह डीएनए के जो सिस्ट्रोन वाला पार्ट होगा वहाँ से स्टार्ट होती है। तो उस सिस्ट्रोन से एमआरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और वहाँ पर जो सिग्मा कारक होगा वो इससे बाइंड होगा, क्योंकि यही जो कारक होता है ये न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का कार्य करेगा, यानी 25 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकंड के हिसाब से जुड़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज, जो होगा इस क्रिया को आगे बढ़ाएगा कंटिन्यू। तो इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के बाद ये सिग्मा कारक अलग हो जाएगा और ये लगातार अनुलेखन की क्रिया को संपन्न करेगा। तो दूसरा जो होगा वो दीर्घीकरण होगा। तो इस दीर्घीकरण भाग में आरएनए पॉलीमरेज होगा वह एमआरएनए का लगातार दीर्घीकरण करता है। तो इसमें जो बनने वाला एमआरएनए होगा वो 5 डेज से 3 डेज होगा, यानी कि 19 भाग
में स्टार्टिंग होगी, संरचनात्मक भाग में एमआरएनए की संरचना में वृद्धि होती है। आरएनए पॉलीमरेज लगातार न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ता है जिससे एमआरएनए की संरचना में लगातार दीर्घीकरण होगा। उसके बाद समापक भाग में यानी कि अनुलेखन क्रिया का जब समापन होगा तो इस आरएनए पॉलीमरेज से रोग कारक आकर जुड़ जाएगा जिससे बनने वाला एमआरएनए टेम्पलेट रज्जु से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार 5 डेज से 3 डेज एमआरएनए का निर्माण होता है। तो ये तो देखिए अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया, अब बात करेंगे अपन यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन क्रिया की। बात करेंगे अपन अब यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन। यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया जटिल व विकसित होती हैं क्योंकि इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य में अंतर होता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है डीएनए, और इसके अलावा केंद्रक झिल्ली के बाद कोशिका द्रव्य होता है जिसमें कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन क्रिया के लिए उन्नायक भाग में ओमेगा कारक भी पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ओमेगा कारक नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिका में सिग्मा कारक तो मिलेगा और सिग्मा कारक के अलावा भी एक कारक और पाया जाता है ओमेगा कारक। इसके अलावा इनमें विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है और एंजाइम्स की क्रिया के द्वारा ही अनुलेखन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखें अपन यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन लगभग प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान ही यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन क्रिया देखी जाती है। वही सिग्मा कारक होगा जो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है और अनुलेखन क्रिया में प्रारंभ होती है, और अनुलेखन की जो क्रिया प्रारंभ होगी तो इसमें वही तीन भाग होंगे, उन्नायक, संरचनात्मक, समापक, तीन भाग प्रेजेंट होते हैं और डीएनए के सिस्ट्रोन से अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है। वही उन्नायक भाग से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, संरचनात्मक भाग में जाएगा तो इनमें लगातार एमआरएनए की साइज में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें जो बनने वाला एमआरएनए होगा उस एमआरएनए को एचएनआरएनए कहते हैं, यानी कि हिटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए या विषमांगी केंद्रकी आरएनए कहते हैं। इसमें इंट्रॉन और हेक्सोन दो पार्ट होते हैं, हेक्सोन व्यक्तेत और इंट्रॉन अव्यक्तेत, यानी कि इंट्रॉन पार्ट जो होगा वो बेकार होता है जबकि हेक्सोन पार्ट काम का होता है, क्योंकि हेक्सोन पार्ट ही आगे चलकर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। तो वही डीएनए होगा, वही टेम्पलेट रज्जु, उत्लेखन रज्जु, हमेशा टेम्पलेट रज्जु पर ही अनुलेखन की क्रिया संपन्न होती है और बनने वाला जो एमआरएनए होगा यानी कि एचएनआरएनए होगा वो 5 डेज से 3 डेज होगा। जैसे समापक भाग से पहुँचेंगे आरएनए पॉलीमरेज तो वहाँ पर रोग कारक होगा, वह उस आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है और इस टेम्पलेट भाग से, डीएनए के टेम्पलेट भाग से बनने वाला एचएनआरएनए अलग हो जाता है। अब इस एचएनआरएनए में दो पार्ट हैं, इंट्रॉन और हेक्सोन। तो इंट्रॉन जो पार्ट है वो कोई काम का पार्ट नहीं होता, तो इस इंट्रॉन पार्ट को हटाया जाता है और उस हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्प्लाइसिंग, यानी कि आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए एडिटिंग क्रिया होगी जिससे हेक्सोन पार्ट जो लाभदायक पार्ट होगा, जो काम वाला पार्ट होगा, वो एक साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार बनने वाला जो आरएनए होगा उसे अपन एमआरएनए कहते हैं और इस एमआरएनए के अंदर हेक्सोन पार्ट ही पाया जाता है जो आगे चलकर अनुवादकरण या स्थानांतरण की क्रिया में भाग लेगा। तो इस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया संपन्न होगी। तो अभी तक अपन ने प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अनुलेखन क्रिया को समझ लिया। इसके बाद अगली जो क्रिया पढ़ेंगे अपन वो होगी अपनी अनुवादकरण या स्थानांतरण, सेकंड प्रक्रिया। तो देखिए अपन अनुवादकरण या स्थानांतरण देखेंगे अपन अगली प्रक्रिया, यानी प्रोटीन संश्लेषण या सेंट्रल डोगमा सिद्धांत का द्वितीय चरण होगा। इसमें एमिनो अम्ल के बहुलकन से, यानी कि एमिनो अम्ल के बहुलकन से पॉली पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन
का निर्माण होता है। तो देखेंगे अपन किस प्रकार एमिनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो सेकंड प्रोसेस समझेंगे अपन इस डायग्राम के माध्यम से। इस प्रक्रिया में तीनों प्रकार के जो आरएनए होंगे वो भाग लेते हैं, जैसे कि एमआरएनए, आरआरएनए यानी कि 80S राइबोसोम से बना होगा, इसमें 40S और 60S दो उप इकाइयाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा टीआरएनए, और ये तीनों आरएनए मिलकर अनुवादकरण या ट्रांसलेशन या स्थानांतरण की क्रिया को संपन्न करते हैं, और इस प्रोसेस के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। स्थानांतरण की वह क्रिया जिसमें टीआरएनए की सहायता से, ये टीआरएनए होगा और इस टीआरएनए की सहायता से एमआरएनए के कोडोन का कोटलेखन होता है। एमआरएनए पर जो कोडोन्स होंगे इनका कोटलेखन होता है, कि टीआरएनए पर जो उपस्थित कोडोन होंगे वो एमआरएनए पर उपस्थित कोडोन को पढ़ने का काम करते हैं और एमिनो अम्ल के एक निश्चित क्रम में जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे ये टीआरएनए इन कोडोन्स को पढ़ेगा उस क्रम में इन एमिनो अम्ल को लाकर इस राइबोसोम यानी कि इस आरआरएनए के अंदर जोड़ता चला जाएगा। वो ये टीआरएनए होगा जो होगा वो एमआरएनए पर लगे कोडोन्स को पढ़ते हुए आगे की ओर जो आरआरएनए होगा वो खिसकता जाता है और जिससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। इस प्रकार ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी। प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के निर्माण में दो एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं, यानी कि इन एमिनो अम्ल के मध्य जो बंध होगा वो पेप्टाइड बंध होता है। ये पेप्टाइड बंध उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेजी से बनेंगे, यानी कि ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में इन पेप्टाइड्स बंध का निर्माण जल्दी होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पर होता है। जो ये प्रोटीन होगी ये राइबोसोम यानी कि आरआरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, जो राइबोसोम से बना होता है, और ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S वाले होते हैं और ये दो उप इकाइयों से बने होते हैं। जो उप इकाइयाँ होंगी वो 50S और 30S होती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये उप इकाइयाँ जो होगी वो 60S 40S होगी, क्योंकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें राइबोसोम 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। वैसी राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का कोशिकीय कारखाना भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम पर ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जैसा कि अपन अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर एमआरएनए होगा और टीआरएनए होगा, और टीआरएनए इसी राइबोसोम पर लाकर एमिनो अम्ल को छोड़ता है, और एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं और इस प्रकार एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे, और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन संश्लेषण डीएनए द्वारा निर्देशित और आरएनए द्वारा निरूपित होता है, यानी डीएनए ही निर्देश करता है कि किस प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करना है। उसी प्रकार का एमआरएनए का निर्माण होगा और एमआरएनए पर लगे कोडोन्स के अनुसार ही प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में सबसे पहले एमआरएनए अपने 5-डे सिरे से राइबोसोम की, यानी इस 5-डे सिरे से राइबोसोम की छोटी इकाई यानी 30S को जोड़ता है। यहाँ पर जैसे 30S उपकाय जुड़ेगी सबसे पहले आकर, जो प्रोटीन संश्लेषण का स्थानांतरण जो चरण होगा वो प्रारंभ हो जाता है, और इसमें IF1, IF2 और IF3 कारक उपयोग में आते हैं। स्थानांतरण क्रिया प्रारंभ होते ही राइबोसोम की बड़ी उपकाय यानी कि 50S, जैसे जैसे क्रिया प्रारंभ होगी तो ये 30S उपकाय जुड़ने के बाद यानी स्टार्ट होने के बाद ये बड़ी उप इकाई होगी यानी कि 50S उप इकाई राइबोसोम की वो आकर जुड़ती है, और इस बड़ी उप इकाई पर दो विशेष बिंदु पाए जाते हैं। कौन कौन से, जिनके नाम, एक तो ये पी बिंदु जिसे बोलते अपन पेप्टाइडल साइट, दूसरा जो बिंदु होगा वो एमिनो एसिड साइट होता है, यानी कि पी बिंदु और ए बिंदु, ये दोनों जो बिंदु होंगे वो बड़ी उप इकाई पर पाए जाते हैं। पी बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ टीआरएनए, ये जो टीआरएनए होगा वो एमआरएनए के कोडोन पर जुड़ता है, यानी कि टीआरएनए एमआरएनए के कोडोन्स पर जुड़ेगा, यानी कि पी साइड पर जो टीआरएनए आएगा वह कोडोन्स पर जुड़ेगा एमआरएनए पर उपस्थित कोडोन से, और ये एमिनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध बनाता है। और ए बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ टीआरएनए यानी कि सक्रिय टीआरएनए आकर बैठ जाता है, यानी कि इस पी बिंदु पर प्रोटीन संश्लेषण क्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि दो एमिनो अम्ल
आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ेंगे पी साइड पर, और टी पहले से आकर बैठ जाएगा। जैसे जुड़ जाएगा एमिनो अम्ल तो वो टीआरएनए, वो तो उस एमिनो अम्ल को राइबोसोम के अंदर छोड़कर निकल जाएगा, और उस ए साइड पर उपस्थित जो टीआरएनए होगा वो बी साइड पर आकर उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से उस एमिनो अम्ल को वापस पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ देगा। तो राइबोसोम की बड़ी उपकाय पर पी बिंदु और ए बिंदु गुट लेखन के साथ साथ आगे की ओर भी खिसकते हैं, यानी कि जैसे जैसे इन कोडोन्स का, यानी कि एमआरएनए पर लगे कोडोनों का को पढ़ लिया जाता है, तो ये आगे की प्रोसेस आगे की ओर खिसकती चली जाती हैं, और ये क्रिया जो होगी वह पेप्टाइडल ट्रांस मिरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। और इस प्रकार जो प्रोटीन संश्लेषण होगा वह लगातार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा और चलता हुआ रहेगा, और जब तक रोध प्रकुट नहीं आ जाते, क्योंकि इस एमआरएनए पर समापक कोडोन पाए जाते हैं और समापक कोडोन की संख्या 3 होती है, UAC, UAG, UGA, ये तीन प्रकार के UAA, तो तीन प्रकार के रोध प्रकुट या समापक प्रकुट होंगे। इनके लिए कोई विशेष प्रकार का टीआरएनए नहीं पाया जाता, यानी कि ऐसा टीआरएनए नहीं बना जो इनके विरुद्ध एंटीकोडॉन्स हो, यानी कि इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। जब ये रोध प्रकुट आ जाएंगे तो वहाँ पर ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, और इस प्रकार एक प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन इस प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को स्टार्ट करने के लिए जो एमआरएनए पर जो कोडोन्स होगा वो AUG होता है, और ये AUG जो कोडोन होगा इसे प्रारंभक कोडोन भी कहते हैं, प्रारंभक कोडोन AUG होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को स्टार्ट करता है, और जो AUG कोडोन होगा ये मेथियोनिन अमीनो अम्ल को कोट करता है। AUG कोडोन मेथियोनिन अमीनो अम्ल को कोट करेगा, और इस प्रकार जो स्टार्टिंग में जो अमीनो अम्ल आके जुड़ेगा उससे वो कौन सा होगा, मेथियोनिन होता है। तो इस प्रकार अपन ने प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अनुवांशिक कोडोन या त्रिक कोडोन या त्रिक संकेत की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।